भद्रम पश्ये माक्षभिर्यथा श्रीरंगयितुट्वाग्वं सत्तनुभिर्वशेम देवहितं निरायुः सत्येन इन्द्रो वृद्धश्रवा सत्येन पूषा विश्वेदा सत्येन स्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः सत्येनो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। प्रस्थान से तेजस्य स्वप्नस्थान स्वप्नस्थान शब्द है वो ब्रीह है ना उस स्वप्नस्थान वाला स्वप्न स्वप्न है स्थान जिसका जिस उसका वो तेजस स्वप्नस्थान जागृत प्रज्ञानेक साधना बहिर्विषय अभास माना मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम मनस्याधत्ते। जागृत की जो प्रज्ञा है वो अनेक साधना है अनेक साधन माने इंद्रिय मन ये सब अनेक है तो बहिर्विषेव अवभास माना बाहर विषय के रूप में वो अवभास माना होती मनस्पंद मात्रा सती वस्तुतः बाहर विषय के रूप में वो यद्यपि अभासमान होती है लेकिन वो प्रज्ञा मनस्पंद मात्र होती मन का स्पंदन है मन की हलचल है तथा भूतम संस्कारम मनस्यादत्ते तो वो जैसा कि बाहर इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है उस प्रकार के संस्कारों को मन में स्थापित करती तन मन तया तथा संस्कृतम मन उस तरह से संस्कृत चित्तित एवं पटह जैसे वस्त्र में कोई चित्र लिख दिया जाए उसी तरह से मन में विषय चित्रित हो जाते हैं तो बाह्य साधना अपेक्षा अविद्या काम कर्म भी प्रेरमाणम जागृत वजह भासते तो बाह्य साधन की बिना अपेक्षा किए अविद्या काम और कर्मों के द्वारा प्रेरमाण जागृत वजह अवभासते तथा चोक्तम अविद्या काम और कर्म अविद्या आत्मा के अज्ञान को कहते हैं तो स्वप्न भी तभी दिखता है जब हम स्वयं को विस्मित हो जाते हैं और फिर उसमें इच्छाएं भी होती हैं वासना होती है तो वो काम है वासना और मुख्य रूप से सूर रूप से कर्म ये माना जाता है कि जागृत के जो भोग हैं वो जो स्पष्ट कर्म है उनका फल है फिर जो क्षीण कर्म रह जाते हैं जिनका फल जागृत में नहीं मिल सकता उस तरह के कर्मों का फल प्राणी को स्वप्न में मिलता है।
घर्षित किमस्ति घर्षितम् एवम् एवम् सूक्ष्मकर्म जैसे मानसिक पाप पुण्य उनका फल स्थूल जगत में हमको नहीं मिलना चाहिए, वैसे मिलता है मानसिक अंत जाते हम, लेकिन और भी कुछ मानसिक ऐसे कर्म है जिनको स्थूल जगत में भगवान की तरफ से नहीं दिया जा सकता, इनका फल वो स्वप्न में दे देते हैं, स्वप्न दिखा दिया। तो आपको यदि भयानक स्वप्न मिलता है दिखता है तो कहना होगा कि कोई सूक्ष्म पाप है जिसका फल हमने स्वप्न में भोग लिया, और अच्छा स्वप्न दिखा तो सूक्ष्म पुण्य। तो अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म तीनों में लगेगा स्वप्न, अविद्या कर्म काम जीव में रहते, जीव ही जब अपने को भूलेगा, आप जब जागृत रहेंगे तो स्वप्न कैसे देखेंगे, अविद्या चाहिए, निद्रा जो है अविद्या समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके मन में कामना होगी, क्योंकि कामना से ही प्रेरित होकर मनुष्य मनुष्य का मन इधर उधर होगा, है? जाना की इच्छा हुई फिर करता है तो वो बनाता है वो। तो ये भीतर भीतर बिना साधन के होता है, ये साथ-साथ पड़ी। तो ये हो गया तथा चोक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मातरम अबाधाय इति। अब इसको टीका में कहेंगे, परे देवे मनस एक ही भवति इति प्रस्तुत त्रयी देव स्वप्ने महिमान अनुभवती इत्याथर्वणे इंद्रियापेक्षा अंतत्थत्वात् मनस तद्वासना रूपा न स्वप्न प्रज्ञा यस्य इति अंतप्रज्ञा। अब इसकी अनुगिरी देख रहे हैं, द्वितीय परम अवतार ये व्याष्ट स्वप्न स्वप्न स्थानम स्थानपूर्वक द्रष्टुर ममाभिमानस विषयभूतमिति यावत्। द्रष्टुर ममाभिमानस विषयभूतम, दृष्टा जो मैं हूं मेरी अभिमान का विषयभूत है। स्वप्न पदार्थम निरूपित तत्कारणम निरूपयति, स्वप्न पदार्थ का निरूपण करते हुए उसके कारण का निरूपण करते हैं। जागृत इति जागृत जागृत वैज्ञानिक साधन ही है, तस्य स्वप्न द्वैत स्वप्न द्वैत धर्मार्थम
अपना द्वैत धर्मार्थम धर्मार्थम तस्या स्वप्ना विधर्मार्थम विशेष जागृत प्रज्ञा जो है वो स्वप्न प्रज्ञा से भिन्न है। जागृत आठवीं बात तस्या स्वप्नात् वैधर्म्यार्थम विशेष महान एक अनेक जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषय विषय अभासमाना मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कार मन की अर्थते इसका अर्थ कर रहे हैं। अनेकानि विविधानि साधनानि करणानि यस्य स तथा इति यावत् विषय द्वारकम् अपि वैधर्म्यम् दर्शयति। तो बहुत से जिसके कारण तो मैंने इंद्रियों इंद्रिया होती हैं और विषय भी विषय द्वारा में वैषम्यम बहिर्ति बाह्य से शब्दादेर विषय से अविद्या विवर्तित वस्तु अभाव न तो विषयत्व अभी तथा उक्त प्रज्ञाया वास्तव किंतु प्रातिकम इत अभिप्रेत उक्त बहिर्विषय कहा ना उसमें ये बता रहे हैं कि जागृत प्रज्ञा जो है वो अनेक साधन अनेक साधन वाली है। अनेक साधन यहां इंद्रिय और मन है इंद्रिय मन अनेक है तो उनसे ये उत्पन्न हुई है और बहिर्विषय अवभास माना और वो बाहर विषय से भी स्वप्न का वैधर्म है ना स्वप्न में बाहर कुछ नहीं है यहां बाहर विषय रूप से प्रतीत होती है। यहां इव कहा विषय इव बहिर्विषय इव तो बोले यो क्यों कहा बोले इसलिए यो कहा है कि बाह्य से शब्दाधिर विषय से बाह्य जो शब्दादि के विषय हैं वे अविद्या के विवर्त हैं वस्तुता नहीं है इसलिए उनका विषयत्व भी जो प्रज्ञा का है वो वास्तव नहीं है केवल प्रासिक है इस प्राय से कहा कि वो बहिर्विषय वस्तुतः हम जो कह रहे हैं कि बाहर शब्दाधिक हैं जिनको हम इंद्रियों से देख रहे हैं तो क्या वो बाहर जो हमको दिखाई पड़ रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो वास्तविक है क्या तो वो कहते हैं यहां वास्तविक नहीं है वेदांत के अनुसार जो भी दृश्य प्रपंच है वो मिथ्या है। तो इव कहा इसलिए कहा कि ये अविद्या से विवर्त है
विवर्त क्या कहलाता है, अतात्विक परिणाम क्या, अविद्या विवर्त तत्वेन वस्तुतो अभावान न तद विषयत्व अभी यथोक्त विज्ञाया वास्तव किन्तु प्रातिकम इतभिप्रेत उक्तम इति। ये कहते हैं कि जगत की जो प्रतीति होती है वो जगत सत्य है, ब्रह्म का ये परिणाम है, अगर परिणाम है तब तो सत्य है, तो बाहर विषय है, लेकिन ये परिणाम नहीं है, ये विवर्त है। विवर्त कहते हैं अतात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक जैसे रस्सी से, रस्सी में हमको सर्प का भ्रम हुआ, रस्सी में सर्प का जो भ्रम होता है कैसे हो रही है, रज्जु के अज्ञान से, तो अज्ञान से सर्प वहां पर विवर्त है नहीं। इसी तरह से जो जागृत में हमको प्रपंच प्रतीत हो रहा है, ये प्रपंच अविद्या का विवर्त है नहीं। इसलिए जो हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, हमारी जो प्रज्ञा अनुभव करती है, वो प्रज्ञा अपने अनुभव के लिए अनेक साधनों को स्वीकार करती है, अनेक साधनों की अपेक्षा रखती है, अर्थात इंद्रियां और मन, इनके बिना शब्दादि का ज्ञान नहीं हो सकता, और शब्दादि की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंद्रियों से क्या देखोगे, तो इंद्रियों से जो आप देखेंगे बाहर वो कुछ है तभी तो देखोगे, तो वो है वास्तव में है कि नहीं है, तो यहां बोलते हैं कि वास्तव में वो नहीं है, वो अविद्या से विवर्त है, इसलिए वो वास्तव जैसा प्रतीत होता है, बहिर्विषय और भासते, ये स्वप्न से वैधर्म बता दिया। स्वप्न में जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है वो ना तो वहां कोई साधन है, क्योंकि इंद्रियां सब सोई हुई है, और ना कोई बाहर वस्तु है, वहां बाहर की कोई चीज नहीं है, तो इस तरह से जो वो वहां स्वप्न की प्रतीति हो रही है वो अंतःप्रज्ञ है, वही प्रज्ञा नहीं है। तस्मा प्रश्न से अयमर्थ मिथ्या पदार्थ से कुछ अनुभूति जाए थे अतिवत मिश्रित किए थे, वस्तुतः स्वप्ने एव जगत प्रसिद्ध जाए थे, वस्तुतः स्वप्न या प्रसिद्ध जाए थे सा मनस्य हो जाए थे,
किंतु एवं प्रतीत यद हम बहिर्विषयान अवगच्छा में तथा अत्रापि यद्यपि मन से ही वर्तते हैं किंतु एवं प्रतीत यद बहिर् किंचित वर्तते हैं। किंतु अत्र इंद्रियाणां व्यापारो वर्तते तो इंद्रियाणां व्यापारः को विषयत्वम् अपि वर्तते अत्र तद्विषयः वस्तुतः वास्तविकाः सन्ति न अथवा नैव। तो यदि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जागृत में वास्तविक विषयों को हम लोग अनुभव करते हैं तो हमारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में जो जगत प्रतीत हो रहा है वो सत्य है, उन्हें सत्य वहां भी नहीं है, इव सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है वो विवर्त है। जैसा कि अभी तुमने बताया कि जो तात्विक अन्यथा भाव है उसको परिणाम कहते हैं और अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहते हैं, तो ये ब्रह्म का अविद्या से विवर्त है। अर्थात जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो अविद्या के कारण जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में परिणाम होता तो ये प्रतीत ये जो सत्य होता ये विवर्त है। तो विवर्त में और ये परिणाम में अंतर ये है, विवर्त कहलाएगा रज्जु सर्प, रज्जु में जो सर्प की प्रतीति होती है विवर्त है, और दूध से जो दही बनता है वो तो परिणाम है। तो हमें जब हम रज्जु को जान लेते हैं तो सर्प का बाध हो जाता है, लेकिन यहां दूध को जानने से दही का बाध थोड़ी होगा, तो दही है बन गया। तो यहां एव कहा सर्वत्र ही लगेगा। भगवान विष्णु श्री कृष्ण बने जबरदस्त रूप से ही ना, ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर वो है जो माया विशिष्ट और विद्या विशिष्ट जीव है, ठीक है। तो माया जो है वो आवारक नहीं होती, ढांकने वाली अविद्या स्वरूप को ढांक देती है। इसलिए ईश्वर में सदा ज्ञान रहता है। ये माना जाता है कि माया में विक्षेप शक्ति है और अविद्या में आवरण शक्ति। तो ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ भी बना ले वो ईश्वर ही रहेगा, ठीक है। और आप जो यहां पर बने हैं मनुष्य बने हैं, आप बन गए, अपने आप को भूल गए, आप ये आपका जन्म हो गया। और ईश्वर ने अपनी इच्छा से कोई स्वरूप धारण कर लिया तो वो स्वरूप जो है उनका स्वरूप का आवरण नहीं है,
वो शरीर धारण करके भी समझते हैं कि मैं आज हूं, अव्यय हूं, सब प्राणियों का ईश्वर हूं। हाँ, ये अजोपिशन नव्य आत्मा भूतानामी स्वरूपिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय समवाम्य आत्ममायया। ही अर्जुन, अजोपिशन अपी शब्द है, जो अज है उसका जन्म नहीं हो सकता। अव्यय आत्मा यहां भी अपी रहेगा, यद्यपि अविनाशी है, जिसका पहले कभी नाश होगा तभी वो उत्पन्न होगा, और दूसरे जो कर्म परतंत्र है तो कर्म का फल ईश्वर देता है। तो मैं स्वयं भूतानाम ईश्वर किसान कर्म फल प्रदाता हूं, कोई मेरा दूसरा ईश्वर नहीं है जो मुझे कर्म का फल देने के लिए शरीर दे। तो भी स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय, स्वाम सच्चिदानंद लक्षणाम स्वरूप भूताम प्रकृति में अधिष्ठाय अपरित्यज्य, जो सच्चिदानंद रूपा जो स्वरूप भूता प्रकृति है उसका परित्याग बिना किए ही आत्ममाया संभवामी, अपनी माया से स्वरूप धारण कर लेता। अदे मान इव उत्पन्न हो गया। इसलिए आप देखिए चतुर्भुज रूप में भगवान दिखाई पड़ते, माता अनुरोध करती है तत्काल बालक बन जाते हैं। तो अगर वो चतुर्भुज रूप से ही जन्म लेते तो बालक क्यों बनते, और अगर बालक रूप में ही थे तो कौशल्या को विराट रूप में दो रूप क्यों दिखाते, वो है। और फिर ये एक बार जननी अनुवाए, कई श्रृंगार पढ़ना बैठाए, माता कौशल्या ने राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके स्नान करके पैदान बैठाना, रसोई की तरफ गई तो रसोई में राम दिखाई पड़े, यहां आई तो पढ़ना में राम दिखाई पड़े, यहां वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोरी ज्ञान विषय का, कि मेरी मति का भ्रम है कि कोई दूसरी बात है। अंत में जब उनका मन संदेह में पड़ गया तो दिख रहा हुआ माता ही ने अद्भुत रूप अकर्ण रोम रोम प्रतिरागे कोट कोट रोम अपना ब्रह्म रूप दिखा दिया कि मैं आसन को हूं, ये अपनी योग माया से मैंने ये रूप बना लिया। तो वो भी विवर्त ही परिणाम नहीं। अंतर ये है कि यहां जो विवर्त होता है वो स्वरूप का स्वरूप से प्रच्युत हो जाती, वहां प्रच्युत नहीं होता भी एवं। हाँ बस ठीक है, माने आप भी वही हैं, आज भी आप जीव के रूप में जो जन्म मरण ले रहे हैं आप भी वही हैं, लेकिन अपने आप को भूले हुए हैं। हाँ, और वो भूलते नहीं हैं। सर्वत्र जीव जो है उसमें वो ब्रह्म तो है लेकिन आवृत है। श्री कृष्ण है तो अनावृतम ब्रह्म, श्री कृष्ण में ब्रह्म अनावृत है। चलिए आगे बढ़िए, तो हो गया। तो ये बताया प्रातिजिक इव कहा, या तो द्वैतमेव भवति,
स्थिति कहते हैं जहां द्वैत जैसा होता है, होता द्वैत होता नहीं है, न तो यथोक्त प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा अनवस्थान। ऐसी जो प्रज्ञा है वो प्रमाण सिद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति है नहीं। तेन साक्षी विद्या साहित्य विवक्षताएं अवभास माना, कहते हैं वो साक्षी वेद्य है, अवभास माना यहां का बाहर विषय अवभास माना। द्वैत तत्प्रतिभासयोर वस्तुतो असत्व हेतु सूचयति। द्वैत और उसका प्रतिभास ये दोनों ही वस्तुतः नहीं है, इसके लिए कहा मनस्पंदे वंदना। मनस्पंद मात्रा यथोक्ता प्रज्ञा स्वानुरूपां वासनां समसमाना कारम उत्पादयति इत्यर्थ। ऐसी जो प्रज्ञा है वो अपने अनुरूप वासना को समानाकाराम अपने समान आकार वाली उसको उत्पन्न करती है। तथा भूतम संस्कार मनसि आधत्ते हुए जागृत वासना वासितम मनो जागृतवत अवभासते। स्वप्न दृष्टुर स्वप्न इतिष्टव्यम मनसा एव वासनावत स्वप्ने विषयत्वात् अतिरिक्त विषयाभावाद तथा। जागृत वासना से वासित जो मन है वो जागृत के समान अभासित होता है, इसको स्वप्न दृष्टा को ये समझना चाहिए। तो मन ही जो वासना वाला है वही स्वप्न में विषय बन जाता है। मन के अतिरिक्त और कोई वहां पर विषय नहीं है। तथा संस्कृतम जागृत वासना वासितम मनो जागृत संस्कृतम तद्वत भाति इति दृष्टांत महा। जागृत वासना से वासित मन जागृत संस्कृत तद्वत भाति जागृत संस्कृत जो मन है वो तद्वत भाति माने जागृत जैसा प्रतीत होता है। उसमें दृष्टांत बोले चित्तित एव पटः यथा पटः चित्तित चित्तवत भाति तथा मनो जागृत जागृत संस्कृतम तद्वत इति युक्तम इत्यर्थ। तो जैसे कपड़े में चित्त बना देते हैं तो कपड़ा ही चित्र जैसा दिखाई पड़ता है, चित्र कोई अलग से नहीं है। इसी तरह से मन स्वप्न में विषय नहीं है वहां, लेकिन वो स्वयं ही विषय के रूप में उसी तरह प्रतीत होता है जैसे कपड़ा चित्र के रूप में प्रतीत होता है। यथोक्त से मनसो जागृतवत अनेकदा प्रतिभाने कारणांतर महा। यथोक्त जो मन है जो जागृत संस्कार से संस्कृत है वो जागृतवत जागृत के समान अनेकों अनेक रूप से प्रतिभात होता है। इसका कारण ये है अविद्या काम कर्म
यदुक्तम स्वप्नस्य जागृत जन्य वासना जन्यत्वम तत्र बृहदारण्यक श्रुतिम प्रमाणे अति। जो स्वप्न जो है, जो स्वप्न है वो जागृत जन्य वासना जन्य है, इसमें बृहदारण्यक श्रुति को प्रमाण रूप से देते तथा देते। अस्य लोकस्य जागृतो तस्वीषण सर्वावत। ये जो वो जागृत है ये इसका विशेषण है सर्वावत। सर्वावत का अर्थ है सर्व साधन संपत्ति अस्मिन निशि सर्वमान सर्वावानेव सर्वावान। सर्वावत का अर्थ कर रहे हैं सभी साधन संपत्ति जिसमें है वो सर्वान है, सर्वान ही सर्वावान है। तस्य माता रेशो वासना उस सर्वावान मन का रेश वह वासना ताम आपादा ताम आदाय उसको लेकर अवच्छेद्य उसको लेकर स्वपिति अपने छिपाकर गृहत्वा स्वपिति वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवती। वासना प्रधान स्वप्न का अनुभव करता है। अतः वासना वासना सर्वतस्य मात्रा ताम अपादाय उपाध्याय का अर्थ किया है अवच्छेद्य। यहाँ पर अवच्छेद का अर्थ यही होगा कि उसको अपने भीतर छिपा कर सपिति वासना प्रदान स्वप्न अनुभवति। यत्न स्वप्न रूपे परिणत मन साक्षिणो विश्व भवति तत्व सूत्रांतरम दर्शति। कहते हैं कि स्वप्न रूप से परिणत मन है जो साक्षी का विषय बनता है उसमें दूसरी श्रुति बताते हैं तथेति। तथा अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम् अपादाय इति परत्वम् मनसत् तदुपाधित्वात् वासना साधारणकत्वात् देवत्वम् ज्योतिनात्मकत्वात् मनोज्योति ज्योति शब्दात तस्मिन् नेकी भवति। ये ये तथा यहाँ परे देवे मनसि एकी भवति इति प्रस्तुत अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इत्याथर्वणे। यहाँ बता रहे हैं परिदेवे परत्व मनसा परिदेवी कहा ना तो मन पर है। कहते हैं ये क्यों कहा उसको पर तदुपाधित्वात् तदुपाधित्वाद व असाधारण कर्णत्वाद व कहते हैं उसकी उपाधि के कारण या असाधारण कर्ण होने के कारण वो देवत्वम उसमें देवत्व है। ज्योतनात्मकत्वाद
तन मनो ज्योतिषि ज्योतिष शब्दात तस्मिन नेकी भवति। तो वो ज्योतनात्मक होने कारण मन ही ज्योति है, ज्योति शब्द तस्मिन नेकी भवति, ज्योति शब्द से उसमें एक हो जाता है। इसका अर्थ किया स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानो भवति, स्वप्न में जो दृष्टा है वो तत्प्रधान हो जाता है। स्वप्नम प्रकृत अर्थ स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा महिमानम मनसो विभूतिम ज्ञान ज्ञेय प्रणाम रक्षणाम साक्षात करोति। स्वप्न में जो दृष्टा है, स्वप्न का दृष्टा, वो तत्प्रधान हो जाता है। स्वप्नम प्रकृत स्वप्न को लेकर अर्थ स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा महिमानम मनसो विभूतिम ज्ञान ज्ञेय प्रणाम रक्षणाम साक्षात करोति तथा च स्वप्नो तथा च मनसो विषयत्वान न स्वप्ने तथा आत्मग्रहत्व शंका। तो वहां पर स्वप्न में क्या होता है, मन की विभूति का स्वप्न दृष्टा अनुभव करता है। अत्यायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वप्नावस्था में आत्मा ही स्वयं ज्योति हो जाता है। तो स्वयं ज्योति का अर्थ ये हुआ कि जागृत अवस्था में हम विषयों को जानने के लिए बाह्य ज्योति की अपेक्षा रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम रूप को देख सकते हैं, तो वो ज्योति चाहिए, चाहे सूर्य की ज्योति हो, चंद्रमा की ज्योति हो, ये अग्नि की ज्योति हो, प्रकाश चाहिए। स्वप्न के दृश्य देखने के लिए किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मन में जो वासना भरी हुई है, उस वासना का मूर्त रूप जो बनता है, उस मूर्त रूप को दृष्टा बिना प्रकाश के देखता है, तो वो स्वयं ज्योति हो जाता है, क्योंकि और किसी ज्योति की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती, न वहां है। तो अत्यायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, तो कहा जब ज्योति स्वयं ज्योति हो गया तो स्वप्नावस्था में उसको साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता। तो स्वयं ज्योति समझ ले कि हम स्वयं ज्योति हैं, तो बोले उसका कारण यह है कि मन रूपी उपाधि वहां रहती, तो उपाधि रहने के कारण निरुपाधिक तत्व का साक्षात्कार नहीं हो पाता। रहती है, इसलिए यहां भी साक्षात्कार नहीं होता है। जब उपाधि का त्याग करेगा तब साक्षात्कार। असल में क्या है कि हमारा जो ज्ञान है, चाहे जागृत का हो चाहे स्वप्न का हो, वो विषयों से उपरक्त होता है, विषयोपरक्त होता है। आज जो आपको ज्ञान का अनुभव होता है, ये घट ज्ञान है, ये पट ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान है, ये रस ज्ञान है, ये रूप ज्ञान है, ये गंध ज्ञान है, तो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन वो रंगा हुआ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। हाँ, ये है। तो इसका अर्थ ये है
ये और दृष्टांत से समझ लीजिए कि हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो दर्पण को हम शुद्ध दर्पण को नहीं देख पाते, प्रतिबिंब सहित दर्पण को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर दर्पण शुद्ध न हो प्रतिबिंब किसमें दिखेगा, तो ज्ञान न हो तो विषय कहां से दिखाई पड़ेगा। तो ज्ञान को हम सीधे नहीं देख पाते, विषयों के सहित उसको देखते हैं, इसलिए विषय की अनेकता ज्ञान में आरोपित हो जाती है, ये अनेक ज्ञान है। अगर विषयों का त्याग कर दिया जाए तो ज्ञान की अनेकता नहीं रहेगी। संविद्य का न विद्युत, अब विषयोपरक्तता कैसे दूर होती है, जब विचार से विषयों के मिथ्यात्व ज्ञान हो जाता है और समाधि के अभ्यास से उनकी प्रतीति भी नहीं होती, तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य का अनुभव हो जाता है, ठीक है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, निर्विकल्प समाधि स्फुटम ब्रह्म तत्व अवगम्यते हृदय नान्यथा चरतया मनोगतिर प्रत्यंतर विमिश्रित भवेत। निर्विकल्प समाधि से स्फुट स्पष्टम यथा स्यात् तथा बुद्ध पुरुषों को ब्रह्म तत्व का बोध होता है, अन्यथा मनोगति के चंचल होने से दूसरे प्रत्ययों के मनोवृत्तियों से वो विमिश्रित हो जाता है। तो जागृत में भी आपको उपाधि का त्याग करना पड़ेगा, तब शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होगा। और स्वप्न में भी ये मन उपाधि है, तो इस मन उपाधि के कारण यद्यपि हम स्वयं ज्योति हैं लेकिन हम अपना अनुभव नहीं कर सकते। अब हम सुषुप्ति में जाएंगे, तो सुषुप्ति में जाने के बाद न इंद्रियां हैं न मन है, तब भी हम हैं, ज्ञान है, तो बुद्ध शुद्ध ज्ञान है, वो विषय से अनुपरक्त है। मन की उपाधि भी नहीं, मन भी विलीन हो गया, जैसे तरल घी गाढ़ा हो जाता है उसी तरह से मन जो है प्रज्ञान घन हो जाता है। अब यहां उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये बताया क्योंकि वहां मनसो विषयत्वात् न स्वप्ने तत्र आत्मक ग्राहकत्व शंका, मन वहां पर विषय है, न विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञाया तेजस्य मनोजन्य प्रज्ञाया च अंतस्तत्वाद् विशेषात् अंत प्रज्ञत्व विशेषणम् न व्यावर्तकत्वम् व्यावर्तकमित्या इंद्रियेति वाजितम् तावत विश्वस भय प्रज्ञत्म तेजसत्व प्रज्ञ विज्ञाते बाह्यान इंद्रिया अपेक्ष वंशो अंधस्थत्वात् परिणामत्वात् च स्वप्न प्रज्ञाया तद्वान अंत प्रज्ञो युज्यते। तो ये हो गया इंद्रियापेक्षा अंतस्थत्वात्, इंद्रियों की अपेक्षा से ये अंतस्थ मन ही तदभाषण रूप से स्वप्न में रहता है, इसलिए ये अंत प्रज्ञ है। विषय शून्याया प्रज्ञायाम
केवल प्रकाश रूपाया विषयत्वेन भवति। विषय शून्य प्रज्ञा में केवल जो प्रकाश स्वरूप है वही विषय रूप से वहां पर हो जाता है, वो तेजस। विषय सविषयत्वेन प्रज्ञाया, और विषय में प्रज्ञा सविषय है, और सूराया भोज्यत्वम, और वो सूर्य भी उसमें भोज्यत्व है। ये पुनः केवल वासना मात्रा प्रज्ञा या वासना मात्र प्रज्ञा भोज्या है, इसलिए प्रविक्त है, प्रविक्त है उसका भोग। समान मान्य द्वितीय पादस तेजस, दूसरा पाद तेजस हो गया। वैठिकायाम उपवाद्यम तवद विश्व से वही प्रज्ञत्म तेजसत्व अंत प्रज्ञो विज्ञायते बाह्य इंद्रियाणि अपेक्ष मनसु अंत सत्वात् तत्परिणामत्वात् च स्वप्न प्रज्ञाया तद्वान अंत प्रज्ञ युज्यते। तो ये बताया कि विश्व जो है वो वही प्रज्ञ है, क्योंकि उसके इंद्रियादि की अपेक्षा है उसको, और तेजस जो अंत प्रज्ञ है क्योंकि बाह्यानी इंद्रियाणी अपेक्ष मनसो अंत सत्वात् तत्परिणाम स्वप्न प्रज्ञाया तद्वान अंत प्रज्ञ उच्यते। कहते हैं बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा से, बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन जो है भीतर है, इंद्रियां बाहर जाती हैं, मन अंत है भीतर है, इसलिए उसका जो परिणाम है स्वप्न वो प्रज्ञा का ही विषय है, वो प्रज्ञा भीतर है इसलिए अंत प्रज्ञा, उसको देखने वाला अंत प्रज्ञा। किंतु मन स्वभाव होता या जागृता जागृत वासना तद रूप स्वप्न प्रज्ञा, मन का स्वभावभूत जो जागृत वासना है तदरूप स्वप्न प्रज्ञा है। युक्तम तेजस्य अंत प्रज्ञत्वम्, इसलिए तेजस का अंत प्रज्ञत्व युक्त है। स्वप्नाभिमान तेजो विकारत्वाभावात् कुत तेजसत्वम् इत्याशंकः। कहते हैं स्वप्नाभिमानी जो है वो तेज का जो विकार है नहीं, उसको तेजस क्यों कहा, बोले विषय थी विषय शून्यायाम के प्रज्ञायाम केवल प्रकाश रूपायाम विषयत्व भवति। कहते हैं सूरो विषयो यस्याम वासनामय्याम न ज्ञायते, जिस वासनामयी प्रज्ञा में सूर विषय ज्ञात नहीं होता, तस्याम विषय संस्मरण मंत्रण विषय के संस्मरण के संस्पर्श के बिना ही प्रकाश मात्र था चितायाम, प्रकाश मात्र होकर स्थित जो प्रज्ञा है उसके आशय रूप से रहता है स्वप्नदृष्टा, इसलिए वो तेजस कहलाता है। तेजस शब्द ने अशोक वासना मैया प्रज्ञाया निर्देशात, तेज सबसे यथोक वासनामयी प्रज्ञा का ही निर्देश है। अनुविष्ट तेजस और अविशिष्ट प्रयुक्त हो किसी विशेषण, और विश्व और तेजस का समान रूप से प्रयुक्त भुक्त ये विशेषण हो जाए। प्रज्ञाया भोज्यत्व भोज्यत्व से तुल्यत्व, वहां भी प्रज्ञा जो है भोज्य है, यहां भी भोज्य है। कहते हैं तस्या भोज्यत्व विशेषे भी तस्या अवान्तर भेदात सविषत्वात् विश्वस्य भोज्या प्रज्ञा स्थूला रक्षते, तैसे प्रज्ञा विषय संपर्क शून्य वासना मात्र रूपये प्रयुक्त भोग सिद्धति विश्व से सप्तांगोन विंशति मुखात्म
इत्यतर अन्यत इत्युच्यते। तो यहाँ ये बताया कि विश्व में और तेजस में दोनों में ही प्रज्ञा तो है, तो प्रज्ञा ही विश्व का अनुभव कराती है और तेजस का ही प्रज्ञा ही अनुभव कराती है, तो दोनों को ही प्रयुक्त मुख कहना चाहिए, स्थूल मुख कहना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि वहां सविषयता है जागृत में और स्वप्न में विषय नहीं है, इसलिए दोनों में, दोनों के भोग में अंतर है। तो सविषय होने के कारण वो भोग स्थूल है और विषय रहित होने के कारण ये सूक्ष्म है। वो यो तो है, ये हो गया समान वन्यत अन्य अन्यत का सप्तांग एक उनविंशत मुखत्व इत्यादि समान है। अब आगे यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानगण प्रज्ञानगण आनंदमयो आनंदमुख चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीय पाद। दर्शना दर्शन वृत्यो तत्व प्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणात् यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषणम्। अथवा त्रिशुभित स्थानेषु तत्व प्रबोध लक्षण स्वापो अविशिष्टा इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते। ये है दर्शना दर्शन वृत्यो तत्व प्रबोध लक्षण से स्वापस तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषणम्। दर्शना दर्शन वहां जागृत अवस्था में विषय का दर्शन होता है, सुषुप्ति अवस्था में अदर्शन होता है, स्वप्न में अदर्शन, अपना तो अदर्शन होता ही है, जब तक अपने को जानेगा तब तक स्वप्न कैसे दिखेगा। ये बोले दर्शना दर्शन मृत्यु यहां टीका समझ में आएगा। पादद्वयम एवं व्याख्या है, तृतीयम पदम व्याख्यासन व्याख्या है मानस श्रुत न कंचने ली व्यविशेषण से तात्पर्य महादर्शनी थी। दर्शन से सूर्य विषय से वृत्तिरत्रास्ती जागृतम, दर्शन माने स्थूल विषय में शरीर जहां वृत्ति है वो जागृत है, वो दर्शन वृत्ति कहलाता है जागृत। सूर्य विषयात दर्शनात अन्य दर्शनम अदर्शनम, सूर्य विषय से कि न रहने से जो अन्य दर्शन है वो अदर्शन है, वासना मात्रम वासना मात्र है, तस्य वृत्ति तस्थिति अदर्शन वृत्ति वो स्वप्न हो गया। तयो सुरुप्तवत एव स्वापस्य तत्वाग्रहण से तुल्यत्वात्, तो सुषुप्ति के समान ही स्वाप जो है उसमें भी तत्वाग्रहण है, तत्व का ग्रहण है समान,
यत्सुप्तः इत्युक्ते तदुरपि प्रसक्तौ तद्व्यवच्छेदेन सुसुप्तस्यैव ग्रहणार्थम्। यत्सुप्तः इत्यादि वाक्ये न कञ्चन इत्यादि विशेषणम् तद्धि स्थानद्वयम् व्यवच्छेद सुसुप्तमेव ग्राह्यति इत्यर्थः। तो यहाँ ये बताया कि दर्शनादर्शन वृत्तो तत्व प्रबोध लक्षण से तुल्यत्वा सुषुप्ति ग्रहणार्थम। तो यहाँ ये बताया कि तीनों स्थानों में तत्व प्रबोध लक्षण अदर्शन समान है, एक सही है। जागृत अवस्था में भी तत्व दर्शन तत्व ग्रहण नहीं है, तत्व प्रबोध नहीं है। तत्व प्रबोध होता तो जागृत भी न देखता, और तत्व प्रबोध होता तो स्वप्न भी न देखता, और सुषुप्ति में भी तत्व प्रबोध नहीं है। तो अब दोनों से इसमें अंतर क्या है, हाँ, इसलिए उसके विशेषण दे रहे हैं। यत्सुप्तः न कंचन कामं कामयते, ये विशेष हो गया। सुषुप्त में जागृत में तो कामं कामयते, जागृत अवस्था में विषयों की इच्छा रखता है, और स्वप्नावस्था में कुछ देखता है। तो जिस अवस्था में सो जाने पर सुषुप्त अवस्था में न किसी विषय की इच्छा करता है न कुछ देखता है, वो सुषुप्त है। सुषुप्त स्थान एक ही भूता, सुषुप्त स्थान जो है वो एक ही भूता प्रज्ञान घना, एक ही भूता टिप्पणी में क्या है, यहाँ ये बताया काममिति पुण्य पाप प्रयोजकम पुत्र दार धनाजकम काममान पदार्थम। ये कामम कामयते, जागृत अवस्था में पुण्य पाप के प्रयोजक, पुण्य पाप से जिनका पुण्य पाप से होने वाले पुत्र दार धनाजिक जो है वो काममान पदार्थ है जागृत में। और स्वप्नमिति शुभ शुभ जागृत वासना जन्य पदार्थम, शुभ शुभ जागृत वासना जन्य जो है वो स्वप्न है। एकीभूता अर्थ है विवेक विशेषाभाव विक्षेभाभाव, ईश्वर ने एकीभूता विक्षेप न होने के कारण ईश्वर के साथ एक ही भूत जैसा हो जाता है। ये आहेति विशेषण यो विकल्पेन व्यावर्तकत्वम इति शेषा, तो विशेषण जो है विकल्प रूप से व्यावर्तकत्व है। असुविद्यात विद्यते स्वप्ने, अब ये हो गया। तो सुषुप्ता न एक ही भूता ईश्वर से एक होना, प्रज्ञान घन एवं आनंदमय आनंद भूक चेतो मुखा प्राज्ञा तृतीय पादः। अब भाष्यकार ये कहते हैं तत्व प्रबोध लक्षण दोनों में समान है, पर यत्र स्थान कार्य व सुप्तो, इस स्थान में या काल में सोने वाला न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन कामो कामयते, न कोई स्वप्न देखता है न किसी की इच्छा करता है। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम,
सुषुप्ति में जो पूर्व जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण लक्षण है, स्वप्न दर्शन या काम अन्यथा ग्रहण है, ये दोनों नहीं है। तो यथा सुषुप्तो स्थान मसी सुषुप्त स्थान स्थान द्वय प्रवृत्तम मन संयम वैज जातम, स्थान द्वय से प्रवृत्त मनस्पंदित वैज जात है तथा रूप परित्यागेन अविवेकापन्नम नैष तमो ग्रस्तम इत्याह इत्याह। तो उस रूप का परित्याग बिना किए अविवेकापन्न नैष तमो ग्रस्त में अह सब प्रपंच कम एकीभूत में चुच्छते अह तथा रूपा परित्यागेन अविवेकापन्नम नैष तमो ग्रस्तमेव अह अह नैष तमो ग्रस्तमेव अह। जैसे दिन रात्रि के तम से ग्रस्त हो जाता है, इसी प्रकार सब प्रपंच कम एकीभूत में स्थिति है। दिन में जो कुछ हमको अलग अलग दिखते हैं, रात्रि आ जाने पर अंधकार जब होने पर सब एक सा हो जाता है, इसी तरह से सुषुप्ति में सब एक हो जाता है। तत् स्वप्न जागरण मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि सेवावस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञानगण उच्यते, अविवेक रूप होने कारण प्रज्ञानगण कराती। यथा रात्रो नहि तमसा अभिवज्यमानम सर्वम घनमेव तद्वत् प्रज्ञान घनेव एव शब्दान न जात्यंतरम प्रज्ञान विद्रीकरण अस्ति। एव शब्द से प्रज्ञान घन प्रज्ञान से व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। जात्यंतरम हाँ वही है, न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरिकरण अस्ति इत्यर्थ। मनसो विषय 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 विषयाकार स्पंदनायाम स्पंदनाया दुख भाव आनंदमय। मन जो है विषय विषय के आकार रूप स्पंदन का जो आयास है वो दुख नहीं है, वो दुख है, वो वहां नहीं है। विषय विषय आकार ये विषय है, ये मैं इसका जानने वाला हूं। मन में दो आकार बनते हैं, मैं इस विषय को जानता हूं, ये जो आकार बने यही द्वैत है और ये द्वैत ही दुख है। जहां विषय विषय विचार भाव आए हैं, विषय विषय आकार मन का होता नहीं, वो आनंद रहता उसमें, आनंद ही होगा। अनात्यंतिक भावा व अनात्यंतिकत्वात् आनंद प्राय क्यों कहा, का उसी देर उसी समय आनंद प्राय रहेगा, आत्यंतिक है ये, आत्यंतिक नहीं है, अनात्यंतिक है। हाँ ये सुषुप्ति अवस्था खत्म हो जाएगी। यथा लोके निरायासस्थिता सुखी आनंद मुख उच्च से, जैसे लोक में बिना प्रयास के स्थित सुखी आनंद मुख कहलाता है, अत्यंत अनायास रूपा एवं स्थिति रहने अनुभूयते आनंद मुख। यहाँ अत्यंत अनायास रूपा स्थिति इसमें अनुभूत होता है, इसलिए आनंद मुख है। ईशोष वर्मा आनंदा इति श्रुते स्वप्नादि प्रतिबोधम चेत प्रतिद्वारी भूतत्वा चेतो मुखा
कहते हैं स्वप्नादि प्रति बोध बोधन इत प्रति द्वारीभूतत्वात्। स्वप्नादि प्रतिबोध जो है बोधम चेतः प्रति द्वारीभूतत्वात्। स्वप्नादि प्रतिबोध रूप जो चित्त है उसके प्रति द्वारीभूत होने कारण सुषुप्त जो है वो चेतोमुख है। बोध लक्षणम वा चेतो द्वारम मुखमत से, या बोध लक्षण जो चेत ज्ञान वो द्वार माने मुख है जिसका। स्वप्नादि आगमन प्रति चेतोमुख, स्वप्नादि के आगमन के प्रति ये चेतोमुख है। भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व नश्येति प्राज्ञा। भूत भविष्य ज्ञातृत्व सब विषय ज्ञातृत्व इसमें है इसलिए ये प्राज्ञा। सुषुप्तो भी भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते, यदि सो गया तभी पहले ये सब कुछ जानता था इसलिए प्राज्ञा। अथवा प्रज्ञप्ति मात्र मत्स्य, केवल ये प्रज्ञप्ति मात्र है इसलिए इसका असाधारण रूप है इसलिए प्राज्ञा। इतरियोर विशिष्ट में विज्ञान मत्स्य, दूसरों का विशिष्ट विज्ञान है ये प्रज्ञा प्राज्ञा है। तृतीय पादा ये तृतीय पाद। ओम भद्रम कर्णे विष्णुनाम देवा भद्रम पश्ये माक्षिवर्यत्रा चिरैरंगै तुष्टवाग्नुं सत्तनुभिर्दशेम देवैतं यदायु सत्स्वेन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।